के सेक्टर 85 इलाके में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर की संचालिका प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए यह संदेश दिया कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह नौकरी हो या बिजनेस। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में खोले गए फरीदाबाद के पहले आधुनिक तकनीकी संदेश सेंटर की। बता दें कि इस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए महिलाएं चेयरमैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए रिबन काटकर इस सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में बॉबी कटारिया पहुंचे। वहीं इस मौके पर महिला आयोग के चेयरमैन रेणु भाटिया ने नेहा ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि अब महिलाएं अब किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के चेयरपर्सन होने के नाते उनके पास महिलाओं को कई प्रकार से प्रताड़ित करने के मामले आते रहते हैं, लेकिन महिला को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने भी इसी क्षेत्र से अपनी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, लेकिन वह तरक्की करना चाहती थी और अमेरिका में सेटल होना चाहती, लेकिन अमेरिका में सेटल होने के लिए नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए या फिर ब्यूटिशियन होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई कोर्स नहीं था। तब उन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया और अपने करियर की शुरुआत की। वहीं उन्होंने बताया कि 1994 में दिल्ली में उनकी मुलाकात किरण बेदी से हुई, जिनसे उन्हें एक बात सीखने को मिली। और बताइए, किरण बेदी ने उनसे कहा था कि महिलाओं के हाथ में एक हुनर होना जरूर चाहिए, वह हुनर चाहे कोई भी हो, जिसके चलते महिलाएं कभी भी भूखी नहीं रह सकती, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। रेणु भाटिया ने बताया कि इसी हुनर के चलते आज प्रिया ठाकुर ने अपने पैरों पर खड़े होकर साबित कर दिया है कि महिलाओं को अपने हाथ में एक हुनर जरूर रखना चाहिए। तो मैंने उस समय 1984 में शहनाज हुसैन, हबीब कॉस्मेटोलॉजी इंडिया प्रोफेशनल्स, ये VLCC की वंदना लूथरा और ये सारी मेरी कलीग्स हैं, हम सब ने एक साथ कोर्स किया था। तो मैंने तब ये कोर्स स्टार्ट किया और मैं ये समझती हूँ कि मैंने किरण बेदी जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी 1994 में। उन्होंने कहा कि लड़की के हाथ में एक हुनर ज़रूर होना चाहिए, जिस लड़की के हाथ में कोई भी हुनर होगा वो कभी भूखी नहीं मरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हुनर का मतलब चाहे पार्लर हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो, आजकल जैसे कंप्यूटर नॉलेज बढ़ रही है तो ऐसे करके आप कुछ भी, कोई भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो लड़कियों को अपना प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, इसीलिए शायद उसको कोई जो है आंखें नहीं दिखा सकता। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, शायद वो जमाने को जीत लेती हैं। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रिया ठाकुर ने बताया कि उनका ये सेंटर फरीदाबाद का पहला सेंटर है, जहां पर वाजिब रेटों में आधुनिक तकनीकी सेंटर की संचालिका ने बताया कि उनके सेंटर में आधुनिक मशीनों से हर तरीके के फेशियल किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, वेवफायर फेशियल, एंटी एजिंग फेशियल और वाटर शाइन बेबी ग्लो, परमानेंट मेकअप, माइक्रो सेंटिंग, लिप लिटरलाइजिंग, लिफ्टिंग, हर तरीके के हेयर एक्सटेंशन आदि किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सेंटर, मैंने सैलॉन नहीं लिखा क्योंकि ये सिर्फ सैलॉन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूरी मेकअप या कटिंग ही नहीं की जाती, ये कुछ एडवांस है जिसके बारे में बताती हूँ आपको। फरीदाबाद में नया है अभी, शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं पता, डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है कि कुछ नया लाई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। ये शेडिंग मशीन है, आप इससे लिप शेड, यानी कि जो बर्थ से आप लिप डार्क होते हैं, जो बॉयज स्मोक करते हैं जिनके लिप डार्क हो जाते हैं, या फिर जो लड़कियों के लिप डार्क होती है उनकी शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये उस चीज़ को टोटली रिमूव कर देगा, उस प्रॉब्लम को टोटली रिमूव कर देगा। जैसा आपको लिप शेड चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग चाहिए, जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको पिगमेंट चाहिए, ये सेम आपको वैसा देता है जो मैगर और प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है, ये डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, सिर्फ मैं सीख के और आपके ऊपर सिर्फ ट्रायल नहीं करने आए, ट्रायल नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर वेरी प्रोफेशनल। हम हाइड्रा फेशियल लाए हैं, बेसिकली आपने फेशियल सुना होगा, पील फेशियल सुना होगा, क्रीम फेशियल सुना होगा, बट ये अलग तरीके का फेशियल है, सिर्फ आपके स्किन को ट्रीट करता है। आप अपनी आंखों के सामने आपके डर्ट को, आपकी टैनिंग को रिमूव होते हुए देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट सिटिंग में कितना असर डाला। मैं ठगने नहीं वाली कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप चार सिटिंग करवा लो, हर मंथ करवा लो, मैं हैंड टू हैंड अगर आप हाइड्रा फेशियल लेते तो आपको रिजल्ट साफ नज़र आएगा।